केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर ठेका मजदूरों को भी न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर सिंहभूम ठेकेदार कामगार यूनियन द्वारा टाटा स्टील के साक्षी गेट के पास गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। सिंहभूम ठेकेदार कामगार यूनियन की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 न्यूनतम मजदूरी दी जाती है तो उतना ही वेतन ठेका मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। एक ही देश के अंदर इतना भेदभाव आखिर क्यों? गुरुवार को उन्होंने टाटा स्टील के साक्षी गेट के बाहर गेट मीटिंग किया और अपनी मांग को लेकर आगामी 2 सितंबर को देशव्यापी इस आंदोलन की घोषणा की। रुपया वेतन ठेकेदार मजदूर को देना होगा। बाहर गेट पर एक गेट मीटिंग हो रही है। गेट मीटिंग 2 सितंबर को पूरे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन में 2 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का मुख्य बिंदु यह है कि ठेकेदार मजदूरों को 18,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए, समान काम का समान मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूरों को जो भी सामाजिक सुरक्षा है सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए और जो श्रम संबंधी जो कानून भारत सरकार बदलाव कर रही है वो बदलाव मजदूरों के पक्ष में होना चाहिए, कारपोरेट घरानों के पक्ष में नहीं होना चाहिए। केंद्र पदाधिकारियों से नाराज चल रहे फिरोज खान ने गुरुवार को आखिरकार झारखंड विकास मोर्चा जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। झारखंड विकास मोर्चा में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संगठन के अंदर गुटबाजी की वजह से जिला समिति में दरार स्पष्ट परिलक्षित है। 6 वर्षों से जिला अध्यक्ष रहे फिरोज खान ने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ जिला महासचिव मुख्तार खान, इसरत खान और विपिन कुमार ने भी इस्तीफा देते हुए गुरुवार को बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर इस बाबत की घोषणा कर दी। उन्होंने नाम न लेते हुए केंद्रीय अधिकारियों पर आरोप लगाया है। हालांकि वे आगे किस राजनीतिक दल का दामन थामेंगे इसका खुलासा नहीं किया है। विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे साथ मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष विपिन जी भी हैं, जबकि इनको हमने कहा कि भाई आज बाद में दीजिएगा, लेकिन नहीं बोले फिरोज भाई आपके साथ आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के महासचिव भुट्टू भाई हैं, हमारे डटकड़ी में रहते हैं। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य मुख्तार भाई है, हमारे अटकड़ी में रहते हैं। बसर खान जी है, मीडिया सेल अध्यक्ष बसर खान जी है। इनाम चाचा है, सईम भाई है। क्योंकि हमने किसी को बुलाया नहीं था, क्योंकि आज हम खुद इस्तीफा देते, लेकिन लोगों को पता चला कि भाई आ गया। इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण है केंद्रीय पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं रांची में, उन्होंने जमशेदपुर संगठन को कमजोर करने की कोशिश किया है। 2006 में जब पार्टी जन्म हुई, माइकल जो ऑडिटोरियम में जो सेमिनार लगा, वहीं से झारखंड विकास मोर्चा का उदय। तब से लेकर आज तक हम ईमानदारी से हैं। 2007 में हमको जिला का महासचिव बनाया गया और 2010 28 फरवरी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया। आज 6.5 साल पूरा जिला अध्यक्ष बनकर हमको हो गया। बाबूलाल जी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, बाबूलाल मांडी ने विरोध करने के बाद मुझे टिकट दिया। केंद्र पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं वो हमेशा जमशेदपुर कार्यकर्ता लाने का कोशिश। ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आपनार एमएलए आपनार पंचायतें कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन चांडिल प्रखंड के 3 पंचायतों में उन्होंने जनसंवाद की शुरुआत की। ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो ने गुरुवार को सीधे जनता से संवाद के लिए आपनार एमएलए आपनार पंचायतें कार्यक्रम की शुरुआत की। चांडिल प्रखंड से इसकी शुरुआत हुई, जहां उन्होंने 3 पंचायतों के ग्रामीणों के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया, सरकारी योजनाओं के विषय में बताया तथा जनता की शिकायतें भी सुनी। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। आबकारी विभाग द्वारा गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी कर आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब की भट्टियों में छापामारी की। इस दौरान 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 500 लीटर अवैध देशी शराब जब्त किया गया है। हेलो, बागबेड़ा, सोनारी, कदमा, बर्मा माइंस इत्यादि इलाकों में छापामारी के उपरांत 8 व्यक्ति शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं। वो सभी 8 व्यक्ति अवैध स्थल पर शराब पी रहे थे और करीब 250 लीटर अवैध चुराई शराब और 40 लीटर देसी शराब की बरामदगी।
शिक्षा का व्यवसायीकरण, फीस वृद्धि आदि के विरोध में 800 शुक्रवार को राजधानी रांची में विशाल प्रदर्शन करेगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण, स्कूल कॉलेजों में बेतहाशा फीस वृद्धि के विरोध में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों द्वारा 26 अगस्त को राजधानी में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारियों के तहत गुरुवार को साक्षी में 800 के सदस्यों ने लोगों से फंड इकट्ठा किया। तत्वाधान में यहाँ साक्षी को चक्कर में हम लोग जो है स्टूडेंट, हम लोग जो जितनी समस्या उन सबको लेकर के हम लोग 26 अगस्त को रांची में राज्यपाल के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। कल, हाँ, यानी कि कल। स्पेशली जिस तरीके से जो फीस लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरीके से मतलब लगातार जो निजीकरण व्यापारीकरण के तहत प्राइवेट स्कूल कॉलेज का जो फीस बढ़ रहा है, टीचर्स की तरह जो कमी है और स्पेशली लगातार जो मतलब क्वेश्चन का जो मतलब पैटर्न आ रहा है, लगातार गड़बड़ी हो रही है। स्पेशली आपको पता होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में भी दिया होगा, कल ही जो है ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, यानी और जो बंगाली का जो क्वेश्चन आया वो भी जो है आउट ऑफ सिलेबस, जो है पार्ट वन में पार्ट टू का क्वेश्चन पूछा गया। इन सबको लेकर के हम लोगों ने कल भी जो है ज्ञापन दिया और हमारे ही आंदोलन के दबाव के चलते ये हो पाया कि जो परीक्षा स्थगित करके 14 सितंबर को फिर से ये एग्जाम लिया जा रहा है। शीतला मंदिर में गुरुवार को दुर्गा पूजा के लिए आयोजित भूमि पूजन में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने भाग लिया। सब आदमी मत पकड़िए, आइए सब आदमी। आस्था और विश्वास यहाँ से जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा की समय आ गई है, उसी के अनुरूप आज भूमि पूजन, दुर्गा माँ की पूजा के लिए भूमि पूजन हुआ, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और ये आस्था का केंद्र भी है। हमको लगता है कि पहला बार मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भूमि पूजन में यहाँ पे आया। वहीं दूसरी ओर बिष्टुपुर स्थित परमहंस मंदिर में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक हिमांशु जी राधा चरण को सुनने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। संध्या में कृष्ण रत्नावली बाबा के रचित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।